Hey guys, welcome back to my channel Azad Kathuwar. I am Jyotsna Azad. So guys, इस वीडियो में मैं आपको फैशन डिज़ाइनिंग की फ़ाइल दिखाने वाली हूँ, ट्रेडिशनल टेक्सटाइल्स. बहुत ही इंटरेस्टिंग फ़ाइल है ये, क्योंकि इसमें हमने इंडिया के डिफरेंट डिफरेंट स्टेट्स की जो फेमस टेक्सटाइल्स हैं उनके बारे में जाना था ये फ़ाइल बनाते वक्त. और आप देख सकते हैं ये इंडिया का मैप है, और ये मैप इस तरीके से बना हुआ है कि हर एक स्टेट में उसकी जो फेमस टेक्सटाइल्स हैं उसकी इमेजेस लगी हुई हैं. और यही इंडिया की स्पेशलिटी है कि इंडिया का जो आर्ट है वो टेक्सटाइल्स के मामले में भी बहुत ज़्यादा आगे है और बहुत ज़्यादा रिच है. और इसलिए मैं ये वीडियो बना रही हूँ, ये फ़ाइल मैं आपको इसलिए दिखा रही हूँ क्योंकि मैं चाहती हूँ कि आप लोगों को जब भी टाइम मिले या आप स्पेशली इसके लिए टाइम निकाल कर आप एक स्टडी करें कि इंडिया की कौन सी स्टेट की कौन सी टेक्सटाइल फेमस है, उसकी खासियत क्या है, ये सब हम सब जानें और अपने कल्चर को, जो हमारी फेमस टेक्सटाइल्स हैं उनको प्रमोट करें. सो इसके लिए मैं आपको ये फ़ाइल दिखा रही हूँ. सो आप देख सकते हैं इसमें, जैसे सबसे पहले बांधनी है. बांधनी गुजरात और राजस्थान की फेमस टेक्सटाइल है. सो हम में से काफ़ी लोगों को बांधनी के बारे में पता होगा, आपने देखे होंगे बांधनी के दुपट्टे या कुछ सूट्स भी आते हैं बांधनी के, तो आपने सब कुछ देखा होगा. सो ये बांधनी के डिफरेंट मोटिव्स हैं, कौन कौन से मोटिव्स होते हैं बांधनी के. तो बेसिकली ये जो ट्रेडिशनल टेक्सटाइल की फ़ाइल है इसमें हमने इंडिया के डिफरेंट स्टेट्स के फेमस टेक्सटाइल्स के बारे में डेटा क्रिएट किया था, उसकी इमेजेस अपलोड करी थी, कुछ सैम्पल्स. जैसे ये मैंने बांधनी का सैम्पल लगाया हुआ है. सो ये दुपट्टे में से सैम्पल काटा हुआ है. सो ये दो और सैम्पल्स हैं बांधनी के. सो बांधनी में भी आगे बहुत डिफरेंट टाइप्स आ जाती हैं मोटिव्स के, कलर्स के, और हमें इन सब की नॉलेज होनी चाहिए क्योंकि हम लोग इंडिया में रहते हैं, इंडिया हमारी कंट्री है, और साथ ही इसका कल्चर जैसे कि मैंने बताया बहुत ही ज़्यादा रिच है हमारा आर्ट और कल्चर. तो हमें इन सब चीज़ों की नॉलेज होनी चाहिए, इसलिए ये मैं आपको फाइल दिखा रही हूँ. बेसिकली मैं जो हमारी फेमस टेक्सटाइल्स हैं उनको प्रमोट करना चाहती हूँ. मैं चाहती हूँ कि हम सबको इस चीज़ की नॉलेज हो और हम इनको जितना ज़्यादा प्रमोट कर सकते हैं उतना प्रमोट करें. सो पटोला है. सो हर एक स्टेट की कुछ ना कुछ ऐसी खासियत है. इंडिया में हर एक स्टेट का कुछ ना कुछ अपना आर्ट है, फैब्रिक और टेक्सटाइल्स के मामले में भी. सो इस पूरी फाइल में हमने बेसिकली डिफरेंट डिफरेंट टेक्सटाइल्स की फ़ोटोज़ वगैरह लगाई थी. अब जैसे इक्कत है, सो इक्कत ओडिशा का, लाइक ओडिशा की फेमस टेक्सटाइल है. सो ये इसके मोटिव्स हैं, आप देख सकते हैं. तो पोचमपली आ गया. पोचमपली आंध्र प्रदेश की फेमस टेक्सटाइल है. और आप लोगों ने ये सारी मोटिव्स कह लो या ये सारी टेक्सटाइल्स कह लो, सो ये सब आप लोगों ने देखा होगा मार्केट में, क्योंकि आजकल सब जगह हर चीज़ अवेलेबल है. अब कलमकारी आ गई. सो कलमकारी भी आंध्र प्रदेश की फेमस टेक्सटाइल है, और ये तो आप लोगों ने बहुत ज़्यादा देखी होगी क्योंकि बहुत ही सुंदर होते हैं कलमकारी फैब्रिक्स. और कलमकारी का जो ओरिजिनल फैब्रिक होता है, ओरिजिनल दुपट्टा या कुछ, वो काफ़ी ज़्यादा कॉस्टली होता है क्योंकि कलमकारी में ये जो सारी पेंटिंग्स क्रिएट की जाती हैं ये हाथ से की जाती हैं. बाटिक आ गया. सो बाटिक में बेसिकली हम फैब्रिक को डाई करते हैं, और डाई करने से पहले हम डिज़ाइन के ऊपर वैक्स लगाते हैं जिससे वो डिज़ाइन बाद में क्रिएट हो जाता है. फिर ये सांगानेरी और अजरक आ गए. सो इनके बारे में भी आप लोगों ने काफ़ी सुना होगा. फिर हमारी कश्मीरी टेक्सटाइल्स आ गई. कश्मीर की तो आप लोगों ने टेक्सटाइल्स देखी ही होंगी, इसके शॉल्स काफ़ी ज़्यादा फेमस हैं और आजकल तो जगह जगह पर अवेलेबल हैं, और बहुत ही सुंदर होते हैं जो शॉल्स होते हैं.
शॉल्स हो गए, कारपेट्स हो गए, नामदा हो गया, बेसिकली जो रग्स होते हैं उनको नामदा बोल देते हैं। सो ये सारी कश्मीर की फेमस टेक्सटाइल्स हैं। ये गाबा हो गया, गाबा ब्लैंकेट्स को बोल देते हैं। फिर हमारे कुछ वोवन टेक्सटाइल्स आ गई, जैसे ब्रोकेड है, और ब्रोकेड के बारे में तो आप सबको पता होगा, इसके सूट तो बहुत ही ज़्यादा पसंद करते हैं लोग और काफ़ी फेमस भी हैं। जामदानी आ गया, जामदानी वेस्ट बंगाल की फेमस टेक्सटाइल है। नेक्स्ट हमारा बालूचरी आ गया। बालूचरी भी बंगाल की ही फेमस टेक्सटाइल है, और बालूचरी की जो साड़ीज़ होती हैं वो बहुत ज़्यादा फेमस है, काफ़ी डिटेल वर्क होता है इनमें। चंदेरी आ गया, चंदेरी मध्य प्रदेश की फेमस टेक्सटाइल है। फिर कांजीवरम, जो हमारी तमिलनाडु की फेमस टेक्सटाइल है, कांजीवरम की साड़ीज़ के बारे में आप सबको पता होगा। सो गाइज़, इस वीडियो के पीछे मेरा यही मोटिव है कि हम सबको इंडिया के डिफरेंट स्टेट्स की फेमस टेक्सटाइल्स के बारे में पता हो। सो आप लोग प्लीज़ टाइम निकाल के इसके ऊपर अपना थोड़ा सा वर्क करें, अपनी नॉलेज गेन करें और इन सबको प्रमोट करें। और आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और आपको नॉलेज भी मिली होगी। सो गाइज, मेक श्योर टू हिट द लाइक एंड सब्सक्राइब बटन। थैंक्स फॉर वॉचिंग।